क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चौथा पार्ट्स। तो चलिए चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें सबसे बड़ा की पॉइंट है वैश्वीकरण क्या है। तो वन मिनट कहता है वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। ठीक है, मतलब सिंपल सा आप डेफिनेशन याद रखना कीवर्ड में। वैश्वीकरण का मतलब है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। ठीक है, एकीकरण कर देना, तो वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण कब हुई थी? 1991 में हुई थी। क्लास 10 के इकोनॉमिक्स पूरा 11th के पूरे इकोनॉमिक नोट्स में हमने पढ़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे वीडियोज़ थे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मौजूद है, आप जाकर के देखिए। ठीक है, और दूसरा उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापारिक संबंध है, उन व्यापारिक संबंध में कई सारे प्रतिबंध होते हैं, टैक्सेस ज़्यादा होता है, कुछ अलग से टैक्सेस लग जाते हैं, या फिर उनको कंट्रोल किया जाता है कि आप इससे ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा हमारे देश में सप्लाई नहीं कर सकते। तो जो प्रतिबंध है उसको हटा देना, तो उदारीकरण होता है। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दूसरे देश में व्यापार करने के लिए अपनी शाखाएं वहां खोलते हैं, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके, मतलब सरकार को तो करना पड़ेगा ना, जो कि अपने देश की जो कंपनियां हैं, अब अपने देश की कंपनियों को अगर हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में वर्चस्व कायम कर लेगा, उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, और हमारे देश की कंपनियां क्या हो जाएगा, उसकी वीक हो जाएगी वो। तो ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके क्या होते हैं? स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना, यानी कि हमारे देश की कंपनी या फिर वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, दोनों मिल करके संयुक्त रूप से उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को बराबर मुनाफा होगा। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी का भी प्राप्त हो जाती है। मतलब बाहर की कंपनियों के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास नया नया जो भी है, तो वो हमें प्राप्त हो जाएगी, तो इससे फ़ायदा हो जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन करना, ये किसी भी देश के लिए अच्छा होता है। स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना, छोटे उत्पादक को उत्पादन का ऑर्डर देना, यानी कि छोटे जितने भी इंडस्ट्रीज उनको ऑर्डर देना, तो इससे भी क्या करते हैं, हमारे देश की जो चीज़ें होती है वो सुरक्षित होती है। तो स्थानीय कंपनियों के साथ आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दूर स्थानों को उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है, तो जिससे दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। देख सकते हो कोका कोला कैसा एक कंपनी है जो बाहर की है, लेकिन कोका कोला जितना जो है धड़ल्ले से शहरों में बिकता है, आपके गांव में चौक चौराहे और फिर एक छोटी से छोटी कस्बों में भी वो कोका कोला आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ताज्जुब की बात है। तो हमारे देश में ऐसा, हमारे देश की प्रोडक्शन इतना इस तरीके से क्यों नहीं फैल रही है जिस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की फैल जाती है? तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ये बड़ा विचार विमर्श की बात है। विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण हो गया, तो एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात व निर्यात हो गया। हमारे देश को बाहर लोग जाते हैं, गल्फ कंट्री में काम करते हैं, गल्फ कंट्री से देश से हमारे देश में लोग आते हैं काम करते हैं। क्या होता है कि चीज़ों का, सेवाओं का आयात होता है, निर्यात होता है। आयात समझते हो, यानी कि जो वस्तु हम दूसरों को सप्लाई करते हैं, यानी कि जो वस्तु हम दूसरों को बेचते हैं, चाहे वो सेवा बेचना हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेचना हो, चाहे वो कोई चीज़ बेचना हो, रॉ मटेरियल बेचना हो, तो जो कुछ भी हम दूसरे देशों को देते हैं वो हमारा क्या होता है, मतलब आयात होता है, यानी कि वो हम आयात करते हैं, चाहे वो कोई और करे चाहे हम करें। और एक निर्यात, यानी कि जो वस्तु हम दूसरे देश को बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं, खरीदेंगे तो आयात हो जाएगा और बेचेंगे तो निर्यात हो जाएगा। तो जो वस्तु हम दूसरे देशों से खरीदते हैं वो निर्यात होता है, सॉरी आयात होता है, और जो वस्तु हम दूसरे देशों को बेचते हैं वो निर्यात होता है। तो किसी व्यक्ति, हमारे देश का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में काम करता है, तो वो क्या करता है, आयात करता है या निर्यात करता है? सोचो, हमारे देश का जो व्यक्ति अमेरिका में काम करता है वो क्या कर रहा है, आयात कर रहा है, निर्यात कर रहा है? हम निर्यात कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए क्या हो रहा है, निर्यात हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे देश में आ जाए और हमारे वस्तुओं को, यानी कि हमसे, हमारे देश में कमाई करे, हमारे देश की में जो है अपने को डेवलप करे और फिर वो अपने देश में चीज़ों को भेज दे, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो निर्यात कर रहा है। यानी कि वो देश हमारे देश के साथ निर्यात कर रहा है और हम उससे आयात कर रहे हैं, यानी कि उसका सर्विस लेकर के हम उससे आयात कर रहे हैं। तो वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है, यानी कि विदेश व्यापार और बाजार का एकीकरण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेवाओं का आयात और निर्यात होगा और वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होगा। आवागमन मतलब आना जाना, ठीक है। वस्तुओं को के विकल्प बढ़ जाते हैं, मतलब एक जगह नहीं तो दूसरा जगह भेज दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत पूरा मार्केट खुला हुआ हर जगह, जहां मर्जी भेज दो। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, यानी कि मूल्य क्या होता है,
अब आपको पंखा ख़रीदना है, पंखा आपको अमेरिका वाला भी मिल जाएगा, जर्मनी वाला भी मिल जाएगा, जापान वाला भी मिल जाएगा और इंडिया वाला भी मिल जाएगा। तब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप सोचोगे कि भैया कौन सा पंखा सस्ता है, तो सबसे बढ़िया सस्ता आपको चाइना वाला मिल जाएगा, तो आप पंखा कौन खरीद लीजिएगा, चाइना वाला खरीद लीजिएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे सेवाओं की, हमारे वस्तु की क्या हो गई, कंपटीटिवनेस हो गई, मतलब एक दूसरे देशों के साथ जो प्रोडक्ट है उसके साथ कंपटीशन हो गया। तो ये चीज़ होता है, दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, जिससे कि जिसके वजह से विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। व्यापार अवरोधक तथा इनका महत्व, ये नियम तथा कानून जो देश आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं, मतलब बहुत सारे देश अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए हमारे देश में क्या करते हैं, अक्सर जो हम विदेशी प्रोडक्ट पर कुछ थोड़ा सा परिवहन प्रतिबंध लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्केट को बचाना असल मकसद होता है। सरकार व्यापार अवरोधक प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किसी प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, तो ये सरकार कंट्रोल करती है, ठीक है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, केंद्र और राज्य सरकारें द्वारा भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ, स्थानीय और विदेशी उत्पादों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, उपरोक्त के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और उनके उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत में लाभान्वित हो रहे हैं, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, उद्योग और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी है, प्रतिस्पर्धा लाभान्वित हुई है, कंपनियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन मिला है, बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में बनने के योग्य बनाया है, सेवा प्रदाता कंपनियों को विशेष सूचना और प्रसंचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। तो ये था हमारा क्लास टेन का लेसन नंबर 4 का नोट्स पार्ट। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 5 में मिलेंगे। तो शेयर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।